अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज कोहली लाजवाल में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये छुंगा गांव के सब सेंटर की हैं। सब सेंटर छुंगा की खस्ता हालत पर आवाम में जो नाराज़गी है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सब सेंटर की बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से खंडरात बन चुकी है। यहाँ पे मालवेशी का चारा डाला है, लकड़ डाली है और स्टोर के तौर पर है जो गांव वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था उस मकसद में है जो पूरी तरीके से है जो इंतज़ामिया भी नाकाम है। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग 3 साल पहले बनी थी, लेकिन अब छत से है जो पूरी तरीके से पानी टपक रहा है। यहाँ पे जो डिस्पेंसरी चल रही है वो किराए के एक शेड में चल रही है, उसकी भी खस्ता हालत है आप तस्वीरों में देखेंगे। और जहाँ ये लोग खड़े हैं ये साफ देख सकते हो आप के किस तरीके से ये मालवेशी का जो चारा डाला है अंदर लकड़ या और स्टोर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बेकार जाने से बेहतर है कि गाँव वालों ने सोचा कि इसको हम स्टोर के तौर पर ही इस्तेमाल कर दें। लेकिन गांव वालों का ये इस सवाल पूछना भी वाजिब है कि आखिर इस बिल्डिंग को बनाया किस मकसद से है। ये महेंद्र इंतज़ामिया को, ज़िला इंतज़ामिया को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 1 लाख रुपए सरकार के हैं जो इस पे खर्च करने के बाद भी इस बिल्डिंग की है जो खस्ता हालत है और इसको पब्लिक के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, आखिर इसके पीछे क्या राज है। हम बता दें कि ये 3 साल कबल ये बिल्डिंग बनी थी और बिल्डिंग की खस्ता हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं और बिल्डिंग को किस तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी आप साफ साफ है जो वो आपको नज़र आ रहा है। जब हमने इस इलाके का दौरा किया, यहाँ पे लोग इसको जब हमने इस जगह का दौरा किया तो इसको है जो पंचायत घर सड़क से दूर होने की वजह से इसको पंचायत के काम काजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा है, बेकार जाने से कुछ तो किया जा रहा है, लेकिन गांव वालों का ये साफ साफ पूछना है कि आखिर इस बिल्डिंग को किस मकसद से बनाया गया। आप देख सकते हैं बिल्डिंग के जो बाहर की कंडीशन है वो कैसी है, पानी है जो छत पर पूरी तरीके से जमा है और किराए के शेड में है जो वो डिस्पेंसरी चल रही है। आप ये देख सकते हैं इसकी भी कितनी बुरी कंडीशन है, गर्मियों के मौसम में ये भी कैसे चलेगी देख सकते हैं आप अंदर से किस तरीके से इसकी भी कंडीशन है जो कितनी खस्ता हालत है। आइए सुनते हैं कि गांव वालों का इसके बारे में इसके मतलब क्या कहना है। जो बहुत टाइम हो गया, पैसा इसका रिलीज हो के भी अभी तक इसका काम जो है स्टोरी थी हमारा की ये कंडीशन है। फर्स्ट फ्लोर में अब पूरा पानी आ रहा है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर वो साइड में, लिहाजा इसकी डेवलपमेंट की जाए। और यहाँ का सब सेंटर है, यहाँ छुआ तकरीबन बहुत बड़ा पंचायत है, ये इसमें 2-3 पंचायतें जो है फल करती हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब कोई हमारा कम से कम इस हॉस्पिटल को 2-3 साल हो गए, इसको अब चलना चाहिए था, लेकिन इस टाइम इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। महकमा से हमारी अपील है कि वो इसका काम जो है वो शुरू करें और यहाँ पे हमें MBBS डॉक्टर होने चाहिए और एक एम्बुलेंस ज़रूरी है। सर, इसके लिए हम देखते हैं कि महकमा और जो जिन्होंने काम करवाया उन्हीं को जिम्मेवार ठहराते हैं। इसी कुंड से हमारी ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द हमें इसको देखें इस काम को, और हमारा काम जो है वो अधूरा है या किस वजह से ये बंद है। तो यहाँ पे हमें कम से कम एक एम्बुलेंस और एक MBBS डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ के लोग मैक्सिमम सफर हो रहे हैं। अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाए तो कम से कम मतलब धनी पीर एरिया ऐसे जो है वहां से जब तक चारपाई पे यहाँ तक लाया जाए तो उस बंदे के हालात खराब हो जाते हैं। इसलिए कि हमें चाहिए कि कम से कम यहाँ पे हमारा नजदीकी हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक डॉक्टर होना चाहिए और कोई फर्स्ट एड का निजाम है यहाँ पे। कुछ नहीं है सर, ये बिल्डिंग इतना ही अधूरा है, कुछ कोई फर्स्ट एड का बंदोबस्त नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ पर जो नर्सिस हैं बेचारी 2 ड्यूटी आती है, उनके पास इतना कुछ सफिशियंट सामान नहीं है। किसी को अगर इंजरी हो जाती है उसके लिए नहीं है, फर्स्ट एड के लिए कुछ नहीं है और एम्बुलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। और एट अबाउट 25 किलोमीटर का एरिया है, 35 किलोमीटर, तो उसमें हमारे पास ना तो एम्बुलेंस है और ना ही कोई डॉक्टर्स है और हॉस्पिटल की बेडिंग जो है इसका आप पूरा फोटोग्राफी वीडियो बना करके आप ले लो कि ये जब से बना है अधूरा ही है, इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है।